अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू बेसबॉल लेक्चर। बेसबॉल के लेक्चर में खुशामदीद। ये वीडियो मंदरजा जल चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। तो आइए अब पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। बेसबॉल अमेरिका का कौमी खेल है, जो बल्ले, गेंद और दस्ताने के साथ खेला जाता है। ये चार बेसों पर मुश्तमिल हीरे की शक्ल वाले मैदान में खेला जाता है। ये 9 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल दो टीमों के दरमियान खेला जाने वाला खेल है। ये खेल 9 इनिंग्स पर मुश्तमिल होता है। खेल का मकसद गेंद को बैट से मारना और पॉइंट हासिल करने के लिए चारों बेसों के गर्द चक्कर लगाना है। आखिर में ज्यादा पॉइंट्स बनाने वाली टीम जीत जाती है। शुमाली अमेरिका में खेले जाने वाले बेसबॉल का कदीम तरीन रिकॉर्ड 1838 में था। ख्याल किया जाता है कि बेसबॉल का इब्तिदा बैट और गेंद के खेलों से हुआ, जिसे राउंडर भी कहा जाता है, जो 18वीं सदी के वस्त तक इंग्लैंड में खेला जाता था। इंग्लैंड से तारकी ने वतन इसको शुमाली अमेरिका में लाए थे, जिससे बाद में जदीद खेल का आगाज हुआ। 1845 में न्यूयॉर्क के एलेक्जेंडर जे कार्टराइट, जिसको बेसबॉल का बानी भी कहा जाता है, ने नीकर बकर बेसबॉल क्लब की बुनियाद रखी, जिसने बेसबॉल के लिए बुनियादी कवानीन बनाए, जिनमें से बहुत से अभी बाकी हैं। बेसबॉल की पहली प्रोफेशनल टीम सनसनाटी रेड सिटोकिंग 1869 में तश्कील दी गई। पहली आलमी सीरीज 1903 में मुनक्किद हुई थी और तब से ये एक सालाना तकरीब है। हेनरी चैडविक बेसबॉल के आदोशुमार का बानी। चैडविक ने बेसबॉल के आदादोशुमार का जदीद निजाम तैयार किया, जिसमें बैटिंग औसत और रन की औसत मुतारिफ कराई गई। आलमी सतह पर बेसबॉल की गवर्निंग बॉडी WBSC यानी वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कन्फेडरेशन है। ये 1913 में कायम किया गया। चैप्टर टू बेसबॉल फील्ड। बेसबॉल का मैदान दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, इनफील्ड और आउटफील्ड। इनफील्ड क्रिकेट में पिच की तरह होता है। ये होम बेस के अलावा 3 बेसों और पिच प्लेट पर मुश्तमिल होता है, जबकि आउटफील्ड इनफील्ड से बाहर के इलाके को कहते हैं, जो दो फाउल लाइन के दरमियान होता है। इनफील्ड 4 बेसों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें एक को होम बेस कहते हैं। होम बेस 5 कोनों पर मुश्तमिल रबर से बनी होती है, जबकि बाकी 3 बेसेस सफेद रंग के कैनवस बैग या रबर शीट से बनी होती है। आउटफील्ड इनफील्ड से बाहर इलाका, जो कि दो फाउल लाइंस के दरमियान होता है, आउटफील्ड कहलाता है। पिचर्स प्लेट बॉलर के लिए होती है। ये जमीन से उठी हुई होती है। ये मुस्ततील और सफेद रंग के रबर पर मुश्तमिल होती है। इनफील्ड के मुख्तलिफ बेसों के दरमियान फासला। होम 20 से पहला 20-90 फिट, पहले 20 से दूसरा 20-90 फिट, दूसरे 20 से तीसरा 20-90 फिट, तीसरे 20 से वापस होम 20-90 फिट, जबकि होम 20 और पिच प्लेट के दरमियान फासला 60 फिट होता है। बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, जिनकी पोजीशन मंदरजा जैल है। इन 9 खिलाड़ियों में से एक कैचर होता है, जिस तरह क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, और एक पिचर होता है क्रिकेट के बॉलर की तरह। चैप्टर नंबर 3 साजो सामान। बैट लकड़ी का और गोल शक्ल का होता है। बैट पकड़ने वाली जगह को होल्डिंग एंड कहते हैं। इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 42 इंच, वजन 940 ग्राम, डायमीटर ज्यादा से ज्यादा 2.75 इंच और होल्डिंग एंड की लंबाई 12 इंच होती है। बॉल 3 तहों पर मुश्तमिल होता है, अंदरूनी तह कॉक, दरमियानी तह सूत या वूल, जबकि बैरूनी तह चमड़े की बनी होती है। बाल का वजन 142-149 ग्राम, बाल का मुहित 229-235 मिलीमीटर
और बॉल डायमीटर 73-76 मिलीमीटर होता है। इक्विपमेंट बेसबॉल में मंदरजा जेल इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। ग्लव्स, हेलमेट, चेस्ट प्रोटेक्टर, शिन गार्ड। चैप्टर नंबर 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में इनिंग के पहले हाफ को टॉप और दूसरे हाफ को बॉटम कहते हैं। पहले हाफ में मेहमान टीम जबकि दूसरे हाफ में मेजबान टीम खेलती है। ये खेल 9 इनिंग्स पर मुश्तमिल होता है जो कि 2 हाफ में तकसीम होता है। 9 इनिंग्स के इख्तिताम पर अगर फैसला ना हो तो इजाफी इनिंग्स खेली जाती है जब तक फैसला ना हो। बेसबॉल में बैटर कब आउट होता है? बैटर मंदरजा जैल 5 तरीकों से आउट होता है। 1. जब बैटर 3 दुरुस्त गेंदों को खेलने में नाकाम रहे, इसे स्ट्राइक आउट कहते हैं। 2. हवा में खेले गए बाल को फील्डर कैच करे, इसे कैच आउट कहते हैं। 3. बैटर बाल को खेले और बाल हवा में फाउल एरिया में चला जाए। 4. जानबूझकर 2 मरतबा बाल को टच करना। 5. जानबूझकर फील्डर के लिए रुकावट बनना। रनर कब आउट होता है? 1. रनर के पहुंचने से पहले फील्डर बाल के साथ बेस को टच करे। 2. जब फील्डर बाल के साथ रनर को टच करे जबकि वो बेस पर ना हो। 3. अगर रनर सीधी लाइन से 3 फीट दूर भागे। 4. जब एक बेस पर 2 खिलाड़ी इकट्ठे हो जाएं। अगर किसी टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो पूरी टीम आउट हो जाती है, यानी इस टीम की बैटिंग इनिंग खत्म हो जाती है। स्कोरिंग सिस्टम, जब एक खिलाड़ी तमाम बेसों को टच करके एक सर्किट मुकम्मल करे तो ये एक रन शुमार होगा। अगर कोई खिलाड़ी बाल को इतनी दूर हिट करे कि वो बाउंड्री के पार चला जाए तो उसे होम रन कहते हैं। ये एक रन के बराबर होता है। अगर कोई खिलाड़ी बाल को हिट करके बाउंड्री के पार ले जाए और तमाम बेसों पर खड़े खिलाड़ी अपने बेसेस को क्लियर करे तो ये 4 रन्स के बराबर होता है और इसको ग्रैंड स्लम होम रन कहते हैं। बाक पीछे यानी बॉलर की किसी भी गैर कानूनी हरकत को जो बैटर या रनर के धोखा देने के लिए हो बाक कहलाता है। बाक पुकारने से हर खिलाड़ी को अगले बेस पर एक फ्री वॉक मिल जाती है। बाक पीछे को गैर कानूनी चालों से रोकता है। बाक मंदरजा जेल सूरतों में दिया जाता है। 1. पिचर प्लेट पर पाउंड रखे बगैर बाल फेंकना। 2. पिचर का सिट पोजीशन पर आए बगैर बाल फेंकना। 3. बाल फेंकते वक्त बाल का हाथ से गिर जाना। 4. पिचिंग का अमल पूरा करना मगर बाल को हाथ से न छोड़ना। 5. मतलूबा वक्त यानी 15 से 20 सेकंड के अंदर बाल न फेंकना। 6. पिचर का खाली बेस की तरफ बाल फेंकने की कोशिश करना। 7. बाल फेंकने वाले हाथ में दस्ताना होना। 8. पिचर का पिचर प्लेट पर खड़े होकर किसी भी बेस की तरफ बाल फेंकने की अदाकारी करना। 9. पिचर का बैटर की तरफ रुख न करके बाल फेंकना। चैप्टर नंबर 5 टर्मिनोलॉजीज। स्ट्राइक जोन बैट्समैन के कंधे से लेकर घुटने तक का एरिया स्ट्राइक जोन कहलाता है। ये वो एरिया है जिसमें पिचर को बाल फेंकना होता है वरना 9 बाल होगा। इसका तयन चीफ अंपायर करता है। स्ट्राइक हर दुरुस्त फेंका जाने वाला बाल जो स्ट्राइक जोन में फेंका जाए स्ट्राइक कहलाता है। बॉल वो बाल जो स्ट्राइक जोन से बाहर फेंका जाए और बैटर बैट ना घुमाए तो वो बाल यानी नो बॉल कहलाता है। 4 नो बाल करने पर बेसस पर खड़े तमाम खिलाड़ियों को एक फ्री वॉक में जाती है यानी वो अगले बेस पर चले जाते हैं। फोर्स प्ले
जब एक खिलाड़ी अपनी बेस से रनिंग करता हुआ अपने अगले साथी को अगले बेस पर जाने के लिए मजबूर करता है तो इसे फोर्स प्ले कहते हैं। स्टोलन बेस। पिचिंग के वक्त कोई भी बेस रनर जब मौका से फायदा उठाते हुए अगले बेस की तरफ जाता है तो इसको स्टोलन बेस यानी बेस चुराना कहते हैं। बैटर्स बॉक्स। होम बेस पर बैटे यानी बैट्समैन के खड़े होने की जगह को बैटर्स बॉक्स कहते हैं। पिचिंग। पिचर का बैटर की तरफ बाल फेंकने के अमल को पिचिंग कहते हैं। डबल प्ले। जब दो खिलाड़ी मुसलसल आउट हो जाए तो इस सूरत हाल को डबल प्ले कहते हैं। टॉप एंड बॉटम। बेसबॉल में इनिंग के पहले हाफ को टॉप और दूसरे हाफ को बॉटम कहते हैं। पहले हाफ में मेहमान टीम बैटिंग करती है जबकि दूसरे हाफ में मेजबान टीम बैटिंग करती है। RBI मफफ है, रन्स बैटेड इन। ये बेसबॉल में एक आदादो शुमार है और ये बताता है कि एक बैट्समैन कितने रन्स में शामिल रहा। इससे बैट्समैन की कारकर्दगी का पता चलता है। चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर बेसबॉल के हवाले से हम अवार्ड्स और ट्रॉफीज की लिस्ट और बेसबॉल ऑफिशियल्स के बारे में है। बेसबॉल ऑफिशियल्स। बेसबॉल में एक चीफ अंपायर, 3 या 5 असिस्टेंट अंपायर और एक स्कोरर होता है। ताहम खेल की अहमियत के लिहाज से कई अंपायर्स मुकर्रर होते हैं। बड़े लीग गेम्स में आमतौर पर 4 से 6 अंपायर होते हैं जबकि हाई स्कूल गेम्स के लिए एक अंपायर होता है।